बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं दुम्बा गोश्त हांडी, जिसके लिए हमने 1 किलो दुम्बे का गोश्त लिया है, 4 प्याज काट ली हैं, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है और मसाला जात लिए हैं, जिसमें हमने सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक, हल्दी और काली मिर्च ली है। ये हमने लिए हैं साबुत गरम मसाला, टमाटर का पेस्ट और लेमन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और धनिया। ये हम बना रहे हैं दुम्बा हांडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमने 4 प्याज काटे हुए थे वो डालने लगे हैं। अब हम 1 कप इसमें जो है वो कुकिंग ऑयल डाल देंगे। प्याज को जो है वो अब हम हल्का सा ब्राउन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डालने लगे हैं इसमें गोश्त दुम्बे का। अब डालने लगे हैं अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट। अब डालने लगे हैं गरम मसाला, साबुत, इलायची, जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। अब हम डालने लगे हैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च। अब हम डाल रहे हैं इसमें जो है वो टमाटर का पेस्ट। इसमें हमने पानी नहीं डाला, इसने गोश्त में खुद ही पानी छोड़ दिया, तो इसी गोश्त के पानी में हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह गल चुका है और अच्छी तरह हमने जो ऐसे भून लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दही। तो इसमें हमने अब ऐड कर दिया दही। दही ऐड करके तो अब हम इसे थोड़ा सा और भून लेंगे।
गोश्त हमारा जो है वो टोटल पक चुका है, अब जो है हम किसी बोल में निकाल लेंगे इसे। इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। थोड़ी सी सजावट कर देंगे लेमन की, सब्ज मिर्चें, जिंजर, अदरक, थोड़ा सा सब्ज धनिया, और ये हमारी तुम्बा हांडी जो है वो बिल्कुल तैयार है। खमीरी रोटी, नान, सादा रोटी लेके आए और शुरू हो जाएं।